इस बात की खुशी भी मना रहे हैं कि इस बार जो है कोई हिंदू लड़की ने अब्दुल नहीं चुना, बल्कि हिंदू लड़के को जो है वो पाकिस्तानी लड़की मिली है। तो इस चीज़ में बराबर का गुनहगार है, क्योंकि उसने उसको गाइड किया है और देखने में लगता है कि सचिन का पीछे से कनेक्शन ऐसा है कि वो उसको सपोर्ट कर रहा है जो इनका कनेक्शन है। तो आपको लगता है कि बात इस नर्क में जा रहा है ये तो पूरी संसार जानता है, पर लेकिन हम मजदूरों के लिए भी थोड़ा सा सरकार को कहना चाहता हूँ। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि काम नहीं है हम लोगों का पास, और महंगाई बेरोजगारी और महंगाई इतनी है। कमाते हम लोग 200-300 रुपए, खर्चा घर की है 2000 रुपए, कहाँ से पूर्ति करें। कोई बड़े लोग उनके पीछे मिले हुए हैं उनसे, जो उनको जो इस तरह से गाइड कर रहे हैं, क्योंकि ना तो सचिन इस मुझे लेवल का लगता है और ना ही सीमा मुझे इस लेवल की लगती देखने में कि वो इतना बड़ा स्कैम कर सकते हैं उनके पीछे। आपने देखा होगा कि जो सीमा आई है उसके बाद जो है कई भारत के जो लोग हैं वो इस बात की खुशी भी मना रहे हैं कि इस बार जो है कोई हिंदू लड़की ने अब्दुल नहीं चुना, बल्कि हिंदू लड़के को जो है वो पाकिस्तानी लड़की मिली है। तो इस जो वाक्य को आप कैसे देखते हैं? ये तो एक महज कुछ बेवकूफ़ लोगों की साजिश होती है जो बात को ऐसा भड़काओ भाषण देकर देश का माहौल ख़राब करते हैं। तो इन लोगों को अपनी हरकत से बाज आना चाहिए, ये गलत है, ये इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। तो जो सचिन है, क्या कई लोग जो हैं वो सीधा सीमा को ही इस पूरी गेम का वो बता रहे कि यही मास्टरमाइंड है, यही आई है, जबकि सचिन इन चीज़ों से अनजान है? तो क्या आप सचिन को भी उतना ही गुनहगार मानते हैं जितना सीमा को? जी हाँ, सचिन इस चीज़ में बराबर का गुनहगार है, क्योंकि उसने उसको गाइड किया है और देखने में लगता है कि सचिन का पीछे से कनेक्शन ऐसा है कि वो उसको सपोर्ट कर रहा है जो इनका कनेक्शन है। तो आपको लगता है कि भारत में घुसना जो है वो इतना आसान हो गया? जी नहीं, भारत में घुसना इतना आसान नहीं है, किसी भी कंट्री के अंदर एंटर करना इतना इजी नहीं है। ये साजिश के तहत होता है, पीछे से लोगों का सपोर्ट होता है इसमें। तो आप बताइए कि आप जो है सीमा हैदर के इस केस को किस तरह से देखते हैं? आप पबजी खेलते हैं? पहले तो आप ये बताइए, पबजी खेलते हैं क्या? आप पबजी पे इस तरह की दोस्तियां जो है वो करते हैं? मैं ये सब कुछ नहीं करता, क्योंकि आपको पता होगा ये जो केस है वो पबजी के द्वारा ही हुआ। जी जी, आप पबजी खेलेंगे अब दोबारा? पबजी तो खेलते ही नहीं हूँ। आप नहीं खेलते पबजी? तो आपको क्या लगता है कि अगर जैसे आपने खेली होगी पहले कि एक पबजी के गेम के जरिए इतना बड़ा जो हादसा हो सकता है? ये सब कुछ नहीं होता है, ये शांति सी है वैसे तो, ये सब कुछ होता नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं, सीमा को भारत से निकाला जाए या यहीं रखा जाए? जी निकाला जाए, बिल्कुल निकाला जाए। कई लोग तो स्वागत कर रहे हैं उसका। जी नहीं, ये साजिश हो सकती है उनकी, कुछ बड़ा प्लान हो क्या हो किसी को कुछ नहीं पता। हमारे देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं ये। हाँ जी, ये हमारे देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, तो उसको बैन करना चाहिए, सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए जल्द से जल्द। लेकिन सरकार तो जो है वो अभी तक सोई हुई है इस पर। आपने देखा होगा कि नए नए जो खुलासे हो रहे हैं कि सीमा एक तरफ तो कहती है वो पांचवी पास है, दूसरी तरफ वो इतनी फराटेदार इंग्लिश भी बोलती है, वो उसके पास चार चार फोन सिम कार्ड और अब तो ऐसे उसके हाथों पे निशान आ रहे हैं, लेकिन सरकार के अभी किसी भी एक भी नेता ने इस पे कोई बयान नहीं दिया। ये उनकी राजनीति चल रही है, इसके अंदर भी ज़रूर कोई ना कोई राजनीति तलाश कर रहे हैं वो, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। उनको सीरियस एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देश का सवाल है। पाकिस्तान की तरफ से जो है धमकियां मिल रही हैं भारत को कि वहाँ पे जो रह रहे भारतीय लोग हैं उनके साथ जो है वो मार देंगे उन्हें, या वहाँ पे जो भारत के मंदिर बने हैं उन्हें तोड़ देंगे, तो इससे आप क्या कहेंगे? ये बहुत गलत कर रहे हैं, अगर वो इस तरह के भाषण दे रहे हैं। पाकिस्तान वाले लोगों को भी सोचना चाहिए कि इतना आसान नहीं है हिंदुस्तानियों को मारना। हिंदुस्तानी लोगों ने भी कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई हैं। आई प्राउड टू बी इंडियन, हम उनका सामना करेंगे इस चीज़ के लिए। आप देख रहे हैं CCN न्यूज़ 24 में महेंद्र राणा आपके बीच, और देखिए हम सीलमपुर न्यू सीलमपुर के मार्केट में, और सीमा हैदर सचिन के बारे में लोगों से जानकारी और उनकी राय लेते हैं, तो मिलते हैं इनसे। जानिए जी, बताइए सर, आप किस व्यू से देखते हैं सीमा जो आई है यहाँ पे और यहाँ पे रह रही है, उसने तलाक भी सुनने में आया है, तलाक भी नहीं दिया है, तो क्या आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि सीमा ने जो गलती की है बहुत बड़ी गलती की है, उसे इस तरह से नहीं करना चाहिए था। लोग तो सुना है जगह जगह देश में स्वागत भी कर रहे हैं उसका, तो आप किस नज़रिए से देखते हैं इसको? हम इसको किसी साजिश के तहत देखते हैं कि उनकी कोई साजिश लगती है हमें इस तरह से, पाकिस्तान के नागरिक होने के बावजूद इंडिया में एंट्री कर रहे हैं वो, तो इस तरह से मुझे कोई गलत साजिश लग रही है। कोई बड़े लोग उनके पीछे मिले हुए हैं उनसे, जो उनको जो इस तरह से गाइड कर रहे हैं, क्योंकि ना तो सचिन इस मुझे लेवल का लगता है और ना ही सीमा मुझे इस लेवल की लगती देखने में कि वो इतना बड़ा स्कैम कर सकते हैं। उनके पीछे ज़रूर किसी बड़े अपराधियों का हाथ है। वहाँ से सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान के लोग भी धमकियाँ दे रहे हैं,
कि इंडिया सुधर जाइए या आपने गलत किया है, तो आप इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे सर? मैं इस बारे में पाकिस्तान से यही बोलना चाहूँगा कि इंडिया पहले से सुधरा हुआ है, सुधरने की ज़रूरत आपको है, आप सुधरें और हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमें क्या करना है। हम इंडिया इंडियन जो हैं बहुत अच्छे से पहले से सुधरे हुए हैं और समझदार भी हैं, और हम यही कहेंगे कि सीमा को जल्द से जल्द पाकिस्तान वापस लो, उसे आपका जो वहाँ पर हशर करना है पाकिस्तान वालों उसको वहाँ पर ले आकर आप कुछ भी करो। लोग कह रहे हैं कि बगैर वीजा बगैर परमिट के और कितने देशों से होकर सीमा इंडिया में आ गई, तो ये हमारे राष्ट्र की सुरक्षा एजेंसी के लिए एक चुनौती नहीं है? ये हमारे राष्ट्र की सुरक्षा एजेंसी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और बिना पासपोर्ट के बिना वीज़ा के जो वो एंटर किया है उसने, तो सबसे बड़ा पहला अपराध तो यही बनता है कि उसने सबसे बड़ी गलती यही की है, तो इस चीज़ पे भी उसकी कार्रवाई होनी चाहिए कि इन लोगों ने उनको सपोर्ट किया है, कि इन लोगों ने उनको एंटर होने दिया है, उन सब लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जहाँ पर सीमा आई है वो लोग उनके परिवार वाले ये खुशी मना रहे हैं कि हमारे घर बहू आ गई, क्या ये जश्न उनका ठीक है सर? नहीं नहीं, ये उनका जश्न बिल्कुल गलत है, इस तरह के उन्हें जश्न नहीं मनाना चाहिए। ये जो है दोनों समाज के लिए वो गलती कर रहे हैं, इस गलती से उनकी कोई बड़ी घटना ना हो जाए, इसलिए उनको इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। तो आप क्या चाहते हैं कि सीमा यहाँ से वापस पाकिस्तान जाए? मैं यही चाहता हूँ कि सीमा यहाँ से वापस पाकिस्तान जाए और अपने मुल्क में अपने हस्बैंड के पास अपने बच्चों को अपने घर में लेकर जाए, और उसका जो भी वहाँ पर होना है उसके साथ वहाँ पर कार्रवाई की जाए। लेकिन पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि अगर वो वापस आती है, इंडिया वापस भेजता है, तो हम उसको ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। वो उनका मसला है, वो क्या करेंगे, उनका कानून है, वो जो उनके साथ जो करेंगे, जो पनिशमेंट उनको देंगे, वो उनका मसला है, इसमें हमें कोई इंटरफेयर नहीं करना। वो पाकिस्तानी सरकार जो भी उनका हशर करेगी वो कर सकती है, उनका बनता है राइट ही है। क्या आप चाहते हैं कि अगर उसको वहाँ पे वापस भेज देंगे तो उसके लिए सही रहेगा, न्याय मिलेगा उसे? ये चीज़ तो हमें पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर छोड़नी चाहिए, क्योंकि इसमें हमारा कोई इंटरफेयर नहीं है। वहाँ के रूल्स क्या हैं, क्या है वहाँ का हिसाब है, हमें नहीं पता, क्योंकि उससे तो हमें सिर्फ ये देखना है कि यहाँ से उसको जल्द से जल्द पाकिस्तान उसको रवाना किया जाए। नमस्कार, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सरकार जो भी कर रहा हो उसको तो हम कुछ कह भी दे तो वो हमारा कुछ तो होने वाला है नहीं। ऑलरेडी मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये भैया थोड़ा साइड हट जाओ, थोड़ा इधर मोबाइल दिखाना। हम लोग लेबर मज़दूर आदमी है, काम धंधा नहीं है, बाल बच्चे वाला आदमी है। अगर काम धंधा नहीं चलेगा तो हम लोगों को रोजी रोटी कैसे खाएंगे और बच्चे को कैसे पालेंगे? एक तो ऑलरेडी देश किस नर्क में जा रहा है ये तो पूरी संसार जानता है, पर लेकिन हम मजदूरों के लिए भी थोड़ा सा सरकार को कहना चाहता हूँ। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि काम नहीं है हम लोगों का पास, और महंगाई, बेरोजगारी और महंगाई इतनी है। कमाते हम लोग 200-300 रुपये, खर्चा घर की है 2000 रुपये, कहाँ से पूर्ति करें? अगर नहीं होगा तो हम लोग तो ऐसे ही देश में मर जाएंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार से, हम गरीबों के लिए भी कुछ सोचे और करे। तो जो आपको पता है 2024 के चुनाव आ रहे हैं, जी मैम, तो उस चुनाव को आपने सुना होगा कि हर चुनाव तो पार्टी टू पार्टी होते हैं, लेकिन इस बार के जो चुनाव है वो मोदी वर्सेस विपक्ष है। सारा जो विपक्षी दल है वो एक साथ इकट्ठा हो गया सिर्फ मोदी को हराने के लिए। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखो मैम, पहले की सरकार भी जो था उसके उस सरकार में भी कुछ ऐसा हुआ था। जो ये सरकार आया इसमें सब पब्लिक ने सरकार को वोट दिया, इसलिए कि हमारी देश का उन्नति हो और लोग ये चाहे कि हमारे देश आगे बढ़े। पर ये आगे बढ़ने का तो यही पूछना चाहूंगी आखिरी में कि आपको क्या लगता है कि सीमा को जल्द से जल्द जो है उसके देश पाकिस्तान भेजना चाहिए या सीमा को जो है यही भारत में ही सजा मिलनी चाहिए? जी नहीं सर, उसको पाकिस्तान जल्द से जल्द भेजना चाहिए और उसे भारत में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल मैडम, पाकिस्तान भेजो कुछ भी हो उसका, फिर हमें यहाँ नहीं रखना ऐसे लोगों को। उसे पाकिस्तान में भेज दिया जाए, यहाँ पर उसका कोई वो नहीं है, शादी से उसकी है कि है, उसे भेजा गया है, बाहर से ऐसे कोई नहीं आ सकता। और इसमें ना सीमा ने एक और बयान दिया था कि मैं पाकिस्तान तो वापस नहीं ही जाऊंगी, चाहे मुझे भारत में ही मार दो। तो इस पे सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए? भारत में हम उसको बिल्कुल नहीं मानने देंगे, उसे पाकिस्तानी या पाकिस्तान वाले उसका कुछ भी हशर करें वहाँ लेकर, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वहाँ की नागरिकता उसको पाकिस्तान की मिली हुई है। हम भारत में उसका कुछ नहीं करेंगे, उसे पाकिस्तान भेजो, वहाँ ले आकर चाहे उसको मारें पीटें कुछ भी करें, आई डोंट केयर, हमें परवाह नहीं है उसकी कुछ भी, क्योंकि उसने गलत किया है और गलत का साथ हम नहीं देंगे कभी। क्योंकि अगर हम कहेंगे उनने सही किया तो इसमें हम भी बराबर के उतने ही गुनहगार हैं जितने गुना उसने किया है, तो हम कभी इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। हम यही कहेंगे कि उसको पाकिस्तान भेजा जाए, उसका वहाँ पर जो भी हशर किया जाए वो पाकिस्तानी जाने, वो जाने। अब जिस तरह से जो लोग हैं उसके साथ सेल्फियां ले रहे हैं क्योंकि वो लोगों को आरती करके दी, मतलब उसने एक तरह से पूरी तरह से हिंदू धर्म को अपना लिया है। तो आप एक मुस्लिम होने के नाते ये बताइए कि आपको लगता है कि आप ही के धर्म का अपमान है?
जी हाँ, ये हमारे धर्म का पान है। उसने सबसे पहले तो सबसे बड़ी जो गलती उसने की है उसको तो दर्दनाक अजाब दुनिया में ही मिलना चाहिए, क्योंकि उसने जो है मुसलमान होते हुए हिंदू धर्म को अपनाया है। सबसे बड़ी गलती तो उसका यह गुना जिसके हम सब खिलाफ़ हैं, हम सब मुसलमान हैं, उसको भी मुसलमान ही रहना चाहिए था और उसे ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। तो आप देखते रहिए CCN News 24 मेरे साथ, ऐसे ही मैं परमजीत कौर, धन्यवाद।